नमस्ते आज के वीडियो में हम डिप्लॉयमेंट प्लाइमेंट मेनली कैनरी डिप्लॉयमेंट एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट देखेंगे वी हैव ऑलरेडी सीन रोलिंग अपडेट एंड रिक्रिएट स्ट्रैटेजीज इन द डिप्लॉयमेंट वीडियोस राइट तो अगर आपने वो नहीं देखा तो फर्स्ट गो चेक दैट फर्स्ट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो एंड पहले हम कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी देखते हैं तो बेसिकली इसमें केनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी में हम न्यू वर्जन को पहले एक स्मॉल सबसेट ऑफ ट्रैफिक या यूजर्स को रिलीज़ करते हैं और फिर धीरे धीरे हम परसेंटेज बढ़ाते हैं ठीक है तो बेसिकली हम दो डिप्लॉयमेंट फाइल्स बनाएंगे तो इफ़ यू वांट टू सी दी डिप्लॉयमेंट फाइल्स तो वो है यू कैन सी ये एक आपका अभी का करंट या स्टेबल डिप्लॉयमेंट फाइल है ठीक है इसमें वर्जन हम लोग इंजिन एक्स का क्या यूज कर रहे हैं वन पॉइंट टू सिक्स फाइन और यहीं हमारे पास कैनरी डिप्लॉयमेंट की एक और हम फाइल बनाएंगे डिप्लॉयमेंट के लिए और उसमें हम लोग दूसरा वर्जन लिखेंगे गॉट इट हम दो फाइल्स बनाएंगे उसके बाद एक हमारा करेंट वर्जन का होगा एंड एक हमारा कैनरी वर्जन का होगा जो हम लेटेस्ट लाना चाह रहे हैं न्यू वर्जन इज 1.27 उसको हम लाना चाह रहे हैं ओके okay. तो हमारे पास जो सर्विस होगी ना वो इन दोनों ही डिप्लॉयमेंट को केटर कर रही होगी तो मतलब इसमें आप लेबल्स देखो क्या हो रहे हैं ऐप इंजीनियस एंड वर्जन केनरी और यहीं पे जो हमारा दूसरा वाला था स्टेबल उसका देखो क्या है मैच लेबल्स में ऐप इंजीनियस एंड वर्जन स्टेबल वर्जन तो अलग अलग है एक डिप्लॉयमेंट एक में हम स्टेबल वर्जन लिख रहे हैं और आ, कैनरी वाले में हम वर्जन में स्टेबल कैनरी uh, लिख रहे हैं बट दोनों केसेस में हमारे पास क्या कॉमन है कौन सा कॉमन लेबल हमने चूज करा है एप इंजीनिक्स ओके तो हम यही वाला लेबल को यूज़ करेंगे अपने सर्विस में तो बेसिकली क्या हो जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि एक सर्विस है वो इस डिप्लॉमेंट को भी कैटा कर रही है और वो दूसरे डिप्लॉमेंट को भी कैटा कर रही है न्यू वर्जन वाला भी और पुराना वर्जन वाला भी तो हम लोग पहले सर्विस देखते हैं तो ये हमारा सर्विस है इसमें सिलेक्टर में देखो ऐप इंजीनियर्स लिखा है राइट तो ये मेरा दोनों ही डिप्लॉयमेंट को गेटा करेगा स्टेबल डिप्लॉयमेंट को भी और कैनरी डिप्लॉयमेंट को भी राइट राइट तो अभी आ, यहाँ पर इफ यू सी नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने रखे हैं कैनरी में न्यू वर्जन में कितने रखे मैंने वन और यही स्टेबल में कितने रखा है थ्री रखा है ठीक है बेसिकली वन ऑन फोर जो रिक्वेस्ट आएगी ट्वेंटी फाइव परसेंट बेसिकली आपका ट्रैफिक जो है केनरी डिप्लॉयमेंट को मिलेगा राइट right? ओके okay, uh, तो <coughs> इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर गोइंग अहेड लेट्स ऑल्सो तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग थिंग इन हियर केनरी डिप्लॉयमेंट इज योर सेशन ऑफ या फिर स्टिकीनेस uh, ओके okay. तो बिना सेशन अफिनिटी के क्या होता है कि यूज़र्स ना रैंडमली राउट हो जाते हैं टू तो ईदर स्टेबल और कैनरी वर्जन ऑन सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ठीक है तो इससे क्या होगा इनकन्सिस्टेंट एक्सपीरियंस होगा फॉर यूजर्स राइट तो सपोज स्टेबल वर्जन में एक फीचर है सपोज कोई यू में ही कोई चेंज है एंड uh, केनरी में देर इज सम अपडेट इन इट ओके तो यूजर्स को सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में इनकन्सटेंसी दिखेगी विजुअली ऑल्सो मतलब एक बार में आ, फीचर दिख रहा है दूसरी बार में वो फीचर गायब हो गया फिर दिख रहा है फिर गायब हो गया क्वाइट अ फनी थिंग राइट काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी होगा ओके तो इसलिए हम क्या करते हैं सेशन अफिनिटी या फिर स्टिकी सेशन क्रिएट करते हैं यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है इट इट विल इन्श्योर कि वंस फॉर वंस पर्टिकुलर सेशन आपका यूजर जो है यूजर गेट्स राउटेड टू अ स्पेसिफिक वर्जन ओनली ठीक है तो इससे यूजर्स को जो है कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा तो इफ़ यू सी तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्विस जो हम नॉर्मल बनाते हैं वैसा ही है इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ऐड दिस सेगमेंट ओवर अ सेइंग सेशन ऑफ एंड क्लस्टर आई ठीक है तो इससे क्लस्टर आई डालने से क्या होगा कि सॉरी क्लाइंट आई तो क्लाइंट आईपी डालने से यहाँ पे सेशन ऑफ यूनिटी क्लाइंट आईपी तो क्लाइंट आई पी डालने से क्या होगा कि बेस्ड ऑन योर क्लाइंट आई पी वो एक सेशन क्रिएट कर देगा एंड फॉर द एक स्टिकी सेशन क्रिएट कर देगा तो सपोज फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट आईपी रिक्वेस्ट अगर आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट सपोज इट वेंट टू योर न्यू वर्जन ठीक है तो सबसिक्वेंट जो रिक्वेस्ट है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट आईपी वो सारे रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगे आपका केनरी uh, वाले डिप्लॉयमेंट uh, पे जाएगा ठीक है और यही अगर हमारा ऐसा uh, होता कि वो स्टेबल पे जा रहा है ओके okay, तो फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन स्टिकी सेशन की वजह से सेशन अफिनिटी के वजह से आपके सबसिक्वेंट जितने भी रिक्वेस्ट uh, होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे स्टेबल डिप्लॉयमेंट के पास जाएगा आई होप दिस मेक सेंस ओके तो so, uh, हम लोग पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चेक इफ वी हैव एनी थिंग देर ऑलरेडी क्यूब सी गेट ऑल ओके हैव गॉट सो मच देर लेट्स जस्ट क्लीन इट अप okay those Sara, our clean okay space okay now let's start and uh, deploy. our deploy A first stable deployment all right and then your service kubectl get all ओके okay, सो so ये थ्री तीनों पॉड्स हमारे रनिंग है ये हमारा सर्विस बन गया है एंड हमारे पास ये वाला डिप्लॉयमेंट है ओके okay, तो अभी हम लोग क्या करते हैं लेट्स डू अ डिस्क्राइब डिस्क्राइब एस सर्विस या एस भी चलेगा इंजीनियर सर्विस इसके एंड पॉइंट्स देखो यू हैव गॉट थ्री आई पीज है वन टू एंड थ्री ओके क्यों तीनों तीन एंड पॉइंट्स है क्योंकि अभी हमने स्टेबल वाले को डिप्लॉयमेंट को अप्लाई करा है अभी हमने कैनरी नहीं करा है और इसमें नंबर ऑफ रिप्लीकर्स कितने हैं मेरे थ्री ठीक है तो अभी हम लोग बेसिकली uh, ये सर्विस uh, किस को कॉल कर रहे हैं कौन से एंड पॉइंट्स को इन तीन एंड पॉइंट्स को वो तीनों एंड पॉइंट्स किसके डिप्लॉयमेंट के पार्ट है आपके स्टेबल डिप्लॉयमेंट के पार्ट है सो नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड डू क्यूब सी टी एल अप्लाई हैव एंड एफ फॉर योर कैनरी लेट्स सी गेट ऑल गेट गेट पॉड ओनली ओके तो हमने इसमें कितना रखा था आई गेस वन रेप्लिका ओनली ओके विफ गेट कैपचर्स वन रेप्लिका ओके okay, फाइन तो यहाँ पे सर्विस में वेन्यू सी तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स मेरे बढ़ गए हैं वन टू थ्री एंड वन मोर फोर तो ये फोर्थ वाला कौन सा है हमारा केनरी डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है ठीक है तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट रिक्वेस्ट हमारी इस सर्विस पे आएगी इससे हमारे पास इस, इन पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स पे जाएगा देर आर फोर एंड पॉइंट्स इनमें से थ्री एंड पॉइंट्स मेरे स्टेबल वाले हैं स्टेबल वर्जन के एंड वन एंड पॉइंट जो है मेरा कैनरी का है विच एम्प्लॉयिज़ कि हमारा जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्रैफिक जो है हमारे कैनरी डिप्लॉयमेंट हो जाएगा राइट तो जैसे जैसे योर कैचिंग अप योर फीलिंग कि हमारा न्यू वर्जन इज गुड इनफ देन आप इसके नंबर ऑफ़ रेप्लिकाज यू कैन इंक्रीज़ स्लोली एंड यू कैन स्लोली डिक्रीज योर नंबर ऑफ रेप्लिकाज फॉर योर स्टेबल डिप्लॉयमेंट दीरे दीरे overall 100 uh, canary deployment so, this is how you handle canary deployment strategy in Kubernetes. All right, uh, whatever we have created, uh, let's just delete all of that. And then we are going to go ahead uh, to the next deployment strategy, blue-green deployment. So, just give me one minute. Delete. All right. तो अब हम लोग ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है हमारे पास दो इन्वायरमेंट होते हैं ब्लू और दूसरा ग्रीन तो जो ब्लू होता है वो हमारा करेंट वाला एनवायरमेंट होता है मतलब जो हमारा स्टेबल इन्वायरमेंट है जो अभी तक चलता आ रहा है दैट इज योर ब्लू एनवायरमेंट एंड ग्रीन वन इज द न्यू वर्जन जो आप न्यू चेंज लाना चाह रहे हो वो uh, तो यहाँ पे आई हैव गॉट टू फाइल्स वन इज़ फोर ब्लू डिप्लॉयमेंट दिस वन एंड दन इज योर ग्रीन डिप्लॉयमेंट ये वाला तो हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ 1.26 पॉइंट टू सिक्स का वर्जन ऑफ इंजिनक्स एंड हम रोल आउट करना चाह रहे हैं 1.27, पॉइंट टू सेवन वन पॉइंट टू सेवन वर्जन ऑफ इंजीनस ओके तो हम दोनों ही न्यू वर्जन को और जो हमारा करंट वर्जन है दोनों को ही एक साथ हम लोग डिप्लॉय कर देंगे ठीक है वी आर गोइंग टू क्रिएट डिप्लॉयमेंट फॉर बोथ इंजनिक्स ग्रीन एंड इंजेनिक्स ब्लू दोनों के लिए ही हम लोग डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर देंगे और जब हम लोग को लगता है कि हाँ वी आर रेडी सारा टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा देन यू कैन बेसिकली राउट और स्विच ट्रैफिक टू योर न्यू वर्जन तो बेसिकली ये जो स्विचिंग और स्विचिंग uh, का काम है ये आपका करता है सर्विस तो इफ़ यू सी ओवर है ये हमारा सर्विस है तो इस सर्विस में uh, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर uh, में क्या है अभी ऐप इंजन एक्स ब्लू है राइट right? तो अगर हमारे पास ये दोनों डिप्लॉयमेंट रनिंग uh, भी है ब्लू भी और ग्रीन वाला भी तो भी हमारा uh, ये वाला सर्विस कौन से डिप्लॉयमेंट uh, को कैटा करेगा इंजन एक्स ब्लू वाला को राइट right? वेन यू फील कि हमारा ग्रीन डिप्लॉयमेंट इज गुड इनफ टू बी डिप्लॉयड तब हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू कम ओवर टू आर सर्विस एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे ऐप इंजन एक्स ब्लू के जगह इंजन एक्स ग्रीन कर देंगे सो ये टॉगलिंग वाला काम है ये सर्विस के लेवल पर हो जाएगा एंड वंस यू डू दैट यू हैव योर ग्रीन डिप्लॉयमेंट तो ये काफ़ी इजी टू इम्प्लीमेंट है रोल बैक भी काफ़ी सिंपल है जस्ट कम टू दी सर्विस मेक इट एप एक्स ब्लू एंड यू आर बैक टू योर प्रीवियस वर्शन और राइट सो दिस इज प्रटी ईजी येस इफ़ यू वॉन्ट मी टू इम्प्लीमेंट दिस ओके आई जस्ट गो एंड इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट क्यूब सी टी एल अप्लाई हैफ एफ तो अभी करेंटली हमारे पास ब्लू डिप्लॉयमेंट है टी एल अप्लाई हाइफ एंड एफ हमारे पास ये सर्विस भी है एस वी सी ब्लू ठीक है तो अभी करेंटली ये किसको सर्विस किस सर्विस के एंड पॉइंट क्या है ब्लू डिप्लॉयमेंट के पॉड्स हैं तो हम उसको देख भी लेते हैं क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब सर्विस तो हमारे पास एंड पॉइंट्स दो हैं दिस एंड दिस तो ये अभी हमारे पास ये वाला इसके दो रेप्लिक है ये उधर के एंड पॉइंट्स हैं ऑल राइट तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज अब हमारे पास सब्सिक्वेंटली हम लोग सा, साथ में ही दोनों को डिप्लाई कर सकते हैं अप्लाई हाइफ़न एफ़ ग्रीन वाले को भी कर देते हैं स्टिल योर सर्विस वोंट गेट अफेक्टेड स्टिल उसका एंड पॉइंट्स अभी भी ब्लू वाला रहेगा बिकॉज आप सिलेक्टेड यहाँ पर हमने uh, जो सिलेक्टर डाला है वो इंजीन एक्स ब्लू डाला है ओके नाउ आफ्टर टेस्टिंग एंड ऑल आई एम आई फील लाइक इट्स फाइन लेट्स जस्ट गो हेड एंड मेक दिस टू इंजीन एक्स ग्रीन ठीक है तो वॉट आई एम गोइंग टू डू क्यूब सी टी एल अपलाई आई हैव जस्ट मेड द चेंज ओवर हेयर टू इंजीन एक्स ग्रीन एंड आई एम डूइंग अप्लाई अप्लाई टू माई सर्विस ओके तो नाओ जो आपका ये बैक एंड है एंड पॉइंट है वो आपके इंजीनिंग ग्रीन पे चेंज हो गया सो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी सो आई होप यू अंडरस्टोड की केनरी डिप्लॉमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है ब्लू ग्रीन डिप्लॉमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कमर्निटीज में सो आई होप यू अंडरस्टुड ऑल ऑफ़ दैट एंड अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुँच सके और अपने डाउट्स फीडबैक वगैरह ज़रूर कमेंट करना धन्यवाद